आवाज की दुनिया के दोस्तों, वाणी का सील और संतुलन। मित्रों, वाणी की धारा मन स्थिति की दिशा में प्रवाहित होती है। शराब पीकर, लहसुन खाकर आने वाले के पेट में जो कुछ भरा है उसी के अनुरूप गंध मुंह से आती है। इसी प्रकार मनोदिशा के अनुरूप वचन बोले जाते हैं। ओछे अहंकारी मनुष्य सदा आत्म प्रशंसा के गीत गाते हैं और दूसरों की निंदा करके अपना बड़ा प्रसिद्ध करने की विडंबना में लगे रहते हैं। तो दुष्ट दुराचारियों के मुख से वैसी चर्चा सुनी जा सकती है जिससे अनाचार उत्पन्न होता हो। संत सज्जन सदा हृदय को शांति देने वाले प्रेम, नम्रता और शालीनता भी भरे वचन बोलते हैं। जिस प्रकार मन की स्थिति के अनुरूप मुख से वचन निकलते हैं, उसी प्रकार वाणी की परिष्कृत बनाने का अभ्यास करते हुए मानसिक स्थिति को उच्च स्तरीय बनाने का अभ्यास किया जा सकता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मित्रों, किसी को अंत स्थिति का पता उसके मुख से निकलने वाली वचन चर्चा से सहज ही लगाया जा सकता है। दूसरों पर अपने व्यक्तित्व को जैसी छाप छोड़नी हो उसी के अनुरूप वाणी को व्यस्त करना चाहिए। मित्रों, यदि सज्जन के रूप में अपने को प्रस्तुत करना है तो वाणी में नम्रता, मधुरता, गंभीरता, शालीनता एवं दूरदृष्टि का समुचित समावेश रहना ही चाहिए। साथियों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, वाणी उत्तरदायित्व से भरी होनी चाहिए। जो किया जा सकता है वही करना चाहिए। जो आश्वासन दिया गया उसे पूरे करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। वचन भंग का लांछन अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहिए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मित्रों, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। श्री राम का वाणी के अद्भुत संतुलन का प्रमाण निवास के प्रसंग में मिलता है। वे कितने धैर्यशील है कि इतनी बड़ी विपत्ति को हंसते हुए काट रहे हैं। यही नहीं, शोक विहल पिता को सांत्वना देते हुए आसन संकट को प्रसन्नता की बात मंगल समय कहते हुए ताल देने वाले मनुष्य को समान वचन कहते हैं। सज्जनों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, अति लघु बात लाग दुख पावा, काहुन मोय कही प्रथम जनावा। देख गोसाई पूछऊ माता, सुने प्रसंग भय शीतल गाता। केकई की कठोरता और दुष्टता को जानते हुए श्री राम अपने संतुलन और सौजन्य नहीं खोते, सहज मुस्कान बनाए रहते हैं और शांत चित्त से गुत्थी सुलझाते हैं। मित्रों, सज्जनों, माताओ, भाइयों, बहनों, पुण्य आत्माओं, मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निदानु। परशुराम जी के क्रोधित होने पर श्री राम अपने शीलयुक्त विनम्र वचनों से उन्हें शांत कर देते हैं। भगवान राम का शील व्यवहारिकता और दृढ़ता देखते ही बनती है। नम्रता से कठोरता को पिघलाना राम की प्रधान नीति थी। मित्रों, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनाऊ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करव नहीं काना। बर्रे बालक एक सुबाऊ, इन्हें संत विदेश उकाऊ। ते नहीं कर काज बिगारा, अपराधी मेहनत तुम्हारा। कृपा कोप बंधु बंधव गुसाई, मोह पर करे दास की नाई। हरे हरे, रुखाई के व्यवहार और प्रेम भरी दृष्टि से देखने में कितना अंतर होता है। इसे उस समय देखा गया जब राम की प्यार भर दिल से बानरों की युद्ध जनित सारी तखान दूर हो गई। भय विगत श्रम बानर सब ही, राम कृपा करे चितवा जब है। वनवास का शोक उद्वेग भरा कठिन प्रसंग सामने होने पर भी राम अपने धैर्य संतुलन नहीं खोते, उत्तेजित आवेशाग्रस्त नहीं होते। वरना मधुरता मृदुलता को स्थिर रखते हुए माता से निवेदन करते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, धर्म धुरी ने धर्म मति जानी, कहे वो मात सुन अति मृदुवानी। भरत का हट राम के शील के सामने झुक गया। वे अपने मुँह से राम के सत्व पालन का समर्थन करके वन में रहने को औचित्य को स्वीकार करते हैं। मित्रों, हट को छोड़कर औचित्य को ही अपनाना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, पुण्य आत्माओं,
राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुबाई भलाई, नाथ कपट में कीन दिखाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। नीति का विरोध कभी नहीं किया जाना चाहिए। हितकर और कठोर वाणी बोलने वाली और सुनने वाली बहुत कम होते हैं मित्रों। ऐ प्रिय सिंधु पत्थर वक्ता श्रोता चाहे दुर्लभ है सजिलो। मित्रों मीठा बोलना उचित तो है, पर सत्य और हित मिश्रित बात यदि कठोर लगती हो तो भी उसकी उपयोगिता है। इसके विपरीत मधुरता के लिए चापलूसी करना निर्थक है। मित्रों आवाज की दुनिया के दोस्तों, नीति विरोध न करी प्रभु मंत्री मदद छोर, कहे वो सचिव सब ठेकर सुहाती, नाथ न पुरे आव यही भाती, प्रिय वाणी जे सुनई जो कही, ऐसे नर निकाय जो गई, वचन परम हित सुनत कठोरे, सुने जे कहे ते नर प्रभु थोड़े। ठकर स्वाती करना, चापलूसी करना, सामने वाले का रुख देखकर उसकी हाँ में हाँ मिलाना, स्वार्थ सिद्धि करने वाले चाटुकारों का पैसा हो सकता है, पर जिम्मेदार लोगों को तो निर्भरता पूर्वक यथार्थ अभियान ही व्यक्त करना चाहिए। यदि बड़े और जिम्मेदार लोग सत्परामर्श ने देकर हवा का रुख देखकर बोलने लगे तो फिर सर्वनाश ही प्रस्तुत होता है। मित्रों आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों माताओं भाइयों बहनों, सत्य वेद गुरु तीन जो प्रे बोले भयात, राज धर्म तन तीन कर हो वेगे ही नाथ। मनुष्य का व्यवहार वचन और विचार सत्य निष्ठा पर आधारित होना चाहिए। छल कपट एवं मिथ्या भाषण से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्य और प्रिय वचन बोलने वालों के अंतकरण भगवान के निवास के योग्य है, ये वाल्मीकि जी का भिन्न मत है। तो सजनों कहे वो सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत स्वगत शरण तुम्हारी, चित्रकूट में भगवान राम ने सत्य को सर्वेश धर्म बताया है। धर्म ने दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण भकाना, के कई को समझाते हुए राजा दशरथ जी ने असत्य के सभी पापों से अधिक तथा सत्य को सभी सत्कर्मों का मूल्य बताया है। साथियों मित्रों, नहीं है सत्य सब पातक पूंजा, गिर सम होय के कोटि के गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मुन गाए। श्री राम की वाणी का प्रभाव उनके परिजनों पर हर जगह अद्भुत पड़ा, किंतु रावण के उपदेश निर्थक हो गए। दूसरों को शिक्षा देने वाले और स्वयं अज्ञान में भटकने वालों को कमी नहीं है। मित्रों रावण मेघनाद और मृत्यु पर रानियों को तो ब्रह्म ज्ञान सिखाता है, पर स्वयं उसी माया मोह में चोटी तक फंसा हुआ है। ऐसे पर उपदेश कुशल लोगों को की संसार में कमी नहीं है, पर उपदेश कुशल वो तेरे जे आचरण ते नरण घर रे। मित्रों ब्रह्म ज्ञान में नारी नरे, करे ही न दूसरी बात, कोडी लागी लोभ बस करे विप्रूर घात। सज्जनो तब दसकंद विविध विधि समझा, ये सब नार नस्वर रूप जगत ये देख रहे विचार। सज्जनो वाणी में मनुष्य के आसन से हो जाता है, उपदेश करने वाला तो बहुत दूर है, पर आदर्श को काम में लाने वाले थोड़े ही लोग होते हैं। इन आचरणकर्ताओं को ही ज्ञान का सत्य परिणाम मिलता है और वे ही दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। जो उपदेश दूसरों को देना है उनसे पालन करना है, उसे कार्य रूप में करके भी देखना चाहिए। अपना आचरण उन उपदेशों के अनुकूल ढालना चाहिए। सज्जनों सत्संग प्रेमियों माताओं भाइयों बहनों, वाणी के संतुलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि जिस कथन से विग्रह उत्पन्न हो उसे सत्य होते हुए भी नहीं कहना चाहिए। बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें गुप्त रखना ही लोकहित की दृष्टि से आवश्यक है। उन्हें प्रकट करने में सत्य का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होता, वरना उस तथाकथित सत्य भाषण से असत्य आचरण जैसी हरे हरे जय श्री कृष्णा राधे राधे जय हो परिवाधिकार की स्थिति बन जाती है। अस्तु ऐसे अवसरों पर गोपनीयता ही उचित है। भगवान राम सुमंत्र से लक्ष्मण द्वारा दशरथ के कई भरत आदि के लिए कहे गए कठ वचनों को अयोध्या जाकर न कहने का निर्देश करते हैं और उसके लिए कसम तक खिलाते हैं। सज्जनों सत्संग प्रेमियों माताओं भाइयों बहनों,
लखन कहे कछु वचन कठोरा, वरद राम अपनी मोहिनी होरा। बार बार ने शपथ दिखाई, कह बिन तात लखत लड़काई। महावीर विनव हनुमाना, रामदास उसे आप बखाना। बोलने में केवल शब्दों का महत्व नहीं है, इसमें उसमें भी प्रधान है भाव। उन्हीं शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न भावों में किया जाता है। श्लोक अभिमान से दूर रहने के लिए अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देना अच्छी बात है। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी लंका जलाकर लौटते हैं। प्रभु प्रसन्नता व्यक्त करके उनकी सराहना करते हैं। वे तो कहते हैं, सो सब तो तब प्रताप रघुराई, नाथ रघुस मोरी प्रभुताई। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उनकी इस निराभिमानिता से प्रसन्न होकर उन्हें दुर्लभ भक्ति का वरदान देते हैं मित्रों। इसी प्रकार अंगद ब्राह्मण की सभा में खलबली मचा कर लौटते हैं तो भी अपनी विनम्रता ही दिखाते हैं। मित्रों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब की कत्तई बार ला दें सज्जनों। ये नितान्त आवश्यक है, मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है।